हैं आप मुजफ्फरपुर से और एक अच्छी स्कूल की तलाश कर रहे हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। मेरा नाम है वांडर ज्ञान और मैं आ चुका हूँ मुजफ्फरपुर के साई मिलेनियम स्कूल में। यह स्कूल 2018 से चली आ रही है हमारे शहर मुजफ्फरपुर में। आज मैं इस स्कूल को एक्सप्लोर करने वाला हूँ और इस स्कूल की सारी फैसिलिटीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले साई मिलेनियम स्कूल के लोकेशन से। तो ये आप देख सकते हैं, ये रमदयालु एनएच वाला है जो हाजीपुर रोड है, वो अब इधर NH 77 बन रहा है नया वाला। इस जगह का नाम है मधौल और NH 77 से सटे हुए ये स्कूल है। तो चलते हैं अब स्कूल के अंदर, चलिए। दोस्तों आ चुके हैं अभी हम स्कूल के अंदर और देख सकते हैं ये स्कूल का फील्ड हुआ और यहाँ पे स्कूल वाहन लगे हुए हैं, साथ में ये कह सकते हैं कि पार्किंग एरिया है। साइकिल, बाइक और बहुत सारा यहाँ पे वाहन लगा हुआ है, स्कूल वैन, और इधर स्कूल है। तो चलते हैं अब स्कूल के अंदर और स्कूल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये दोस्तों स्कूल का एंट्रेंस है और आइए हम अंदर चलते हैं। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा कलर है स्कूल का, येलो एंड ग्रीन, और साथ में यहाँ पे कुछ कुछ कोड्स लिखे हुए हैं और ये क्लासेस शुरू हो जाते हैं। यहाँ से बच्चे लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। और ये थोड़ा सा ये क्लासरूम दिखाइएगा, आइए। इस क्लासरूम में अभी सारे बच्चे बाहर खेलने के लिए गए हुए हैं और आई थिंक ये प्री क्लासेस के हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं खिलौने और बहुत ही प्रॉपर तरीके से हर चीज़ लिखा हुआ है और कितना प्री अरेंज्ड है। मतलब मैं इस क्लास में आया हुआ हूँ, मुझे बचपन की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि हर एक इंसान ना एक बचपन वाली फेस से उठ के ही बड़ा बनता है। तो आज मैं उस क्लास में आया हुआ हूँ जहाँ से मैं शुरुआत किया था अपने पढ़ाई का। और ये देख सकते हैं कि यहाँ आइए, थोड़ा सा खिलौनों को दिखाइएगा, लड़का के लिए, लड़की के लिए, मतलब ये पूरा खिलौना रखा हुआ है। और गर्मी का सीज़न आने वाला है तो प्रॉपर ये देख सकते हैं कि वाटर बोतल सभी के लिए यहाँ पे है और कितने अरेंजमेंट से रखे हुए हैं, कितने नीट एंड क्लीन क्लास है। ये ऑफिस एरिया पूरा हो गया, यहाँ पे आपका टीम रूम है और ये देख सकते हैं कि जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें हैं वो लगे हुए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल है। जस्ट कुछ दिन पहले आप देख सकते हैं कि ओमेंस डे था और ओमेंस डे पे थीम बेस्ड पे इतना अच्छा ड्राइंग बनाया गया है, बहुत ही प्यारा है। और अंदर आते हैं, जैसे आप अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे रिसेप्शन मिल जाएगा और साथ में एक तरफ आपको प्रिंसिपल एरिया भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको अकाउंट्स वगैरह, अगर फी वगैरह जमा करना है तो वो भी है। ये आइएगा अंदर में। दोस्तों अभी हम नीचे से आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे और ये पूरा क्लासेस वगैरह अवेलेबल है। तो अभी हम लोग चलते हैं, किसी क्लास में एंट्री करते हैं और यहाँ के बच्चे के बच्चों से बात भी करते हैं कि यहाँ से बच्चे की कैसी फैसिलिटी है। ये क्लास 6 है, रूम नंबर 9 आई थिंक। चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर, मैं कमिंग। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे लोग, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। तो यहाँ पे बच्चे लोग हैं सर, कुछ बात करना है इन लोग से, कर सकते हैं। तो बच्चे लोग से बात करते हैं, पहली बेंच पे बैठी हुई है, क्या नाम है छोटी? अदिति। अदिति, कैसा लगता है साई मिलेनियम स्कूल? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाई में यहाँ पे मन लगता है? हाँ, बहुत मन लगता है। किस क्लास में आप? सिक्स में। अच्छा, स्पोर्ट्स में कैसा रुचि है? बहुत मन लगता है स्पोर्ट्स। कौन सा स्पोर्ट्स आपको सबसे ज्यादा अच्छा? सवाती। अच्छा, उसमें कुछ सिलेक्शन वगैरह कहीं पे हुआ है आपका? हाँ, नेशनल में सिलेक्शन है। अच्छा, कहाँ पे खेलने जाना है? हिमाचल प्रदेश में, 24 to 28 मई। अच्छा अच्छा, चलिए इसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और भी बच्चे लोग हैं यहाँ पे, आपका क्या नाम है? दिव्या। कैसा लगता है साई मिलेनियम? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ का पढ़ाई वगैरह? पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, टीचर्स डाउट्स क्लियर कर देते हैं। अच्छा, और कुछ अगर एक्स्ट्रा क्लासेस अगर आपको डाउट होता है तो वहाँ आपको समझने के लिए मिलता है? यस सर, प्रोवाइड करता है स्कूल एक्स्ट्रा क्लासेस। अच्छा, और भी इधर बच्चे बैठे हुए हैं तो कुछ हम लोग लड़कों के सेक्शन में भी बात कर लेते हैं। अच्छा, इनमें से कोई ऐसा है जो बस से आते हैं? क्या नाम है आपका? एमडी अमन।
अच्छा, एमडी अमन, कैसा यहाँ पर बस वैन फैसिलिटी कैसा है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, टाइम से जाती है, टाइम से आती है। हाँ, अच्छा, स्कूल टाइम पे पहुँच जाती है? यस सर। अच्छा, और भी यहाँ पे बच्चे हैं, आइए बात करते हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट बेंच पे बैठे हो, क्या नाम है? राजवीर। राजवीर, कैसा लगता है स्कूल साइड मिलने? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में रुचि है कि नहीं? हाँ, सवाती में। सवाती में ही आपका भी? कहाँ पे भी नेशनल वगैरह खेलने के लिए कुछ चाहिए ना? आपको भी जाना है? अच्छा, आपका भी सिलेक्शन हुआ है। कहाँ जाना है? हिमाचल। हिमाचल ही। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये अभी सिक्स क्लास के बच्चे हैं और इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और क्या फैसिलिटीज है साई मिलेनियम स्कूल में, वो आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं साई मिलेनियम के थर्ड फ्लोर पे, और थर्ड फ्लोर पे आपको साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। चलिए, वो भी आप चीज़ आपको हम अंदर से दिखाते हैं। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं एक और क्लासरूम में, और ये क्लासरूम बिल्कुल अभी खाली है। और इस स्कूल में एक और फैसिलिटी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है। स्मार्ट क्लासेस की भी फैसिलिटीज है, जैसे जो बच्चे वीक होते हैं, कहा जाता है कि अगर विजुअल प्रेजेंटेशन से हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम जल्दी सीखते हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक हमें याद रहता है। तो ये देख सकते हैं, पीछे दिखाइएगा इधर, कि ये स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, साउंड सिस्टम लगा हुआ है, और यहाँ पे डेस्क वगैरह है, और साथ में यहाँ पे प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है। तो ये बहुत कम स्कूल में ये फैसिलिटीज होता है कि प्रेजेंटेशन के द्वारा पढ़ाई होता है। और जो बच्चे नीचे भी हैं, और कुछ स्पोर्ट्स से अभी मैंने बात किया है कि यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में भी काफ़ी एक्टिव है। तो स्पोर्ट्स में क्या कुछ फील्ड है, कैसा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको स्कूल के अंदर में दिखाया है कि स्कूल में पढ़ाई तो अच्छी होती है, साथ में यहाँ पे प्रेजेंटेशन, जो प्रोजेक्टर वगैरह लगा हुआ है, वो सारी चीज़ तो है ही, और साथ में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें स्पोर्ट्स में भी आगे रहना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या होता है कि बच्चे किताबी कीड़ा तो बन जाते हैं, पर स्पोर्ट्स में बहुत पीछे रह जाते हैं। उनका जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है ना, वो नहीं ग्रो हो पाता है। इस स्कूल में उस चीज़ को भी ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पे बच्चे लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। कुछ लोग से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? खावनवर। कैसा लगता है आपको यहाँ का फैसिलिटीज स्कूल का? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, स्कूल की तरफ से पिकनिक वगैरह कहीं ले जाया जाता है क्या? यस सर। कहाँ पे गए थे? जू, पटना जू। पटना जू, क्या वहाँ पे क्या देखे, क्या सीखे? बहुत मजा आया, स्कूल की तरफ से ले गया था। अच्छा, और वहाँ का एनवायरमेंट देखे थे हम सब। और कुछ वहाँ पे अलग अलग जानवर देखे थे। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कूल में ये सारी फैसिलिटीज है। तो ये पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया। और उधर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं और उनकी मस्ती आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं, मतलब बच्चे लोग के भी बहुत मज़ा है। हम लोग भी जब स्कूल लाइफ में थे तो बहुत मज़ा आता था। और ये देखिए बच्चे स्लाइड कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है आप लोग को? कैसा लग रहा है बाबू, मजा आ रहा है? यस सर। देखिए, ये लोग को मजा आ रहा है, मतलब हम लोग का भी एक बचपन का समय था कि जब हम लोग का स्पोर्ट्स क्लास मिलता था, गेम क्लास मिलता था, तो बहुत मजा आता था। और ये देखिए बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं, कैसा मजा आ रहा है छोटू? मजा आ रहा है? क्या नाम है? बीबू। बीबू, आपका क्या नाम है? कार्तिक। कार्तिक, ये देखिए सारे बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी स्कूल का ये बहुत अच्छा फैसिलिटीज, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्पोर्ट्स में भी लोग एक्टिव हैं। और बच्चे को ये नहीं कि सिर्फ सीनियर को ही, छोटे बच्चे को भी यहाँ पे स्पोर्ट्स में एक्टिव रखते हैं। अब इस स्कूल की क्या सारी फैसिलिटीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, बात करते हैं साई मिलेनियम स्कूल की फैसिलिटीज़ का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह स्कूल प्री टू टेंथ तक है, और यह स्कूल एफिलिएटेड भी हो चुकी है CBSE बोर्ड से। यहाँ पे नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पे पढ़ाई चलती है, और साथ में अब यहाँ पे 10th 12th बिहार बोर्ड का सेंटर भी पड़ता है, और साथ में जो BPSC का TRE 1 2 3 ये सबका एग्जाम सेंटर भी यहाँ पे पढ़ने लगा है। और बात करते हैं यहाँ पे और भी क्या फैसिलिटीज़ है, तो यहाँ पे CCTV फैसिलिटीज़ है, वाईफाई की फैसिलिटीज़ है, और साथ में और भी चीज़ आपको बताऊँ तो वीक में जो बच्चे को एकेडमिक कहने का मतलब कि जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, मतलब कि जो अच्छे से कॉपी वगैरह कंप्लीट करके रखते हैं, अपने बुक को प्रॉपर मैनर में रखते हैं, अपने ड्रेस को प्रॉपर तरीके से पहन के आते हैं, तो उनको स्टूडेंट ऑफ द वीक का अवार्ड भी मिलता है। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ की फैसिलिटीज़ की, तो यहाँ पे आपको
पेरेंट टीचर मीटिंग टाइम टू टाइम होते रहता है, और साथ में यहाँ की जो वैन है, बस फैसिलिटीज है, वो चारों तरफ है, हर जगह है। आप कहीं से भी आपको अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं स्कूल में बाय बस बाय वैन, तो आप भेज सकते हैं। अगर स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज भी है। यहाँ पे दोस्तों साथ में जो बच्चे कमजोर है, जो बच्चे वीक है, जैसे कि अभी सरकारी स्कूल में दक्ष बच्चों को लास्ट में पढ़ाया जाता है ना, वैसे भी सुविधा यहाँ पे है कि अगर कोई बच्चा कमजोर है, वीक है, तो उसको लास्ट में एक दो घंटे बैठा के यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफिस में, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे प्राइजेज हैं, जैसे कि अभी बच्चे लोग बता रहे थे सबाते के बारे में, और ये देखिए थर्ड बिहार स्टेट सबाते चैंपियनशिप 2022 का है ये फ्रेंच बॉक्सिंग, और 2023 का भी है, ये देखिए ये फोर्थ बिहार स्टेट सबाते चैंपियन 2023 का है फ्रेंच बॉक्सिंग का। दोस्तों साई मिलियम स्कूल को मैंने पूरी तरह एक्सप्लोर कर चुका है और मेरे बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई है। अगर आपका भी यादें ताज़ी हो गई होगी तो कमेंट में बताइएगा। इस स्कूल की हर एक फैसिलिटीज मैंने इस वीडियो में बताई है। अगर अभी भी आपको किसी तरह का डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ में यहाँ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो ऑफिस का नंबर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और स्क्रीन पर भी डाल दिया हूँ, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, तो आप साई मिलेनियम में एडमिशन ले सकते हैं, और अभी एडमिशन सेशन चालू हो चुका है 2024 से 2025 वाला। तो मिलते रहेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और करते रहेंगे अपने मुजफ्फरपुर शहर को एक्सप्लोर। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।